मोम क्या बना रही हैं? फ्रॉक बना रहे हैं काम वाली की लड़की के लिए। मेरे लिए भी कुछ सिलवा दीजिए। सिलवा दे? हाँ, आप तो सिलेंगी नहीं। सिल दे। सिल दे। तो पठान सूट सिल लीजिए। पठान सूट। पठान सूट सिल रहे हैं? हाँ। पहनोगे तुम? दिवाली में। दिवाली में? हाँ। अच्छा, ये देखो फ्रॉक। हाँ, सही है। सही है? हाँ। अभी और काम रुक के करेंगे। मेरी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसीलिए मैंने सिलाई वहीं पे करके छोड़ दिया, फिर आगे कुछ नहीं किया। और बस मैं अपने क्राफ्ट का क्लिप भी इसमें डाल दूंगी, जो मैंने डेकोरेट किया वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। और उसका फाइनल लुक मैं कहाँ पे उसको रखी, उसका कैसे मैंने यूज किया, ये आगे ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। बारिश देखिए कितनी हो रही है। तो अचानक से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, डॉक्टर से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने बंदा अपना भेजा इंजेक्शन के लिए और लगाया। उसके बाद अभी देखिए जब आराम हो जाएगा फिर मैं आप सबसे बातें करूँगी, अभी ज़्यादा बोलने का मन नहीं हो रहा है। तो प्रभु यहाँ लेटे हुए हैं, मैंने प्रभु से पूछा लेटे क्या वो मोबाइल चला रहा अपने, कि सब लोग गए तो बोले हाँ गए, चले गए सबको, इन्होंने नाश्ता दे दिया है और किचन को इन्होंने कर दिया है क्लीन, अब ये अपना मोबाइल चला रहे हैं। और सिंजो का भी इन्होंने झाड़ के उनका भी खाना रख दिया, मैंने उनके जो जहाँ बैठते हैं उसको झाड़ना रहता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज छोटा सा ब्लॉग जाएगा। और ये देखिए नीचे का भी, मेरे नीचे वाले फ्लोर में सफाई हो रही, कुछ पुराने फर्नीचर हैं जो हटाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था और उनका यूज होता नहीं तो रखे रखे ख़राब हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी सफाई लोग कर रहे हैं नीचे। ये देखिए सारे सामान निकाले जा रहे हैं। तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा DIY मैंने बनाया है। ये मेरे पास पुराने डिब्बे थे, मैंने ऑनलाइन किसी साइट से मंगाया था, ये चाय कॉफ़ी और चीनी के थे, तो ये ख़राब हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका मेकओवर किया जाए और कुछ और यूज किया जाए, थोड़े से जंग भी लग गए थे। तो देखिए मेरे पास पेंट पड़ा हुआ था, थोड़ा पेंट भी गाढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसी को यूज किया और पहले मैंने डिब्बे को पेंट कर दिया, और इसके तीन डिब्बे हैं, तीनों को मैंने पेंट कर दिया और पेंट करके मैंने रख दिया था, सूख गया। सूखने के बाद देखिए मैं फेवी बॉन्ड लगा के इस पर गोटा लगाऊंगी, और गोटा लगाने के बाद मैंने इस पर मिरर वर्क किया थोड़ा सा, मिरर के बाद थोड़ा सा मैंने बट से लेके और डॉट डॉट बनाया, और आप सब देखिए स्किप मत करिएगा, बहुत ही सुंदर मेरा ये बन के तैयार हुआ। और मैं इसका फाइनल लुक अभी नहीं दिखा पाई, मैंने सोचा मैं इस ब्लॉग में दिखा दूंगी, लेकिन तबीयत मेरी अच्छी नहीं थी, मैंने इस वजह से नहीं दिखा पाई। तो आपको मैं फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी कि मैंने इसका कहाँ और कैसे यूज किया। तो अभी मैं थोड़ा कुछ कुछ दिवाली की ही तैयारी में लगी थी, कुछ कुछ चीज़ें बना रही हूँ। देखिए उसके ढक्कन को भी मैंने इस तरह से उसमें भी गोटा लगाया, और लास्ट में भी आप देखेंगे इसके ढक्कन में मैंने ग्लिटर पेपर का यूज करके और उसको भी डेकोरेट किया है। तो आप सब देखिए। Oh, every single song tells me we're through, yeah. But I can't turn it off 'cause it's the truth, yeah, it's the truth. And it goes like.
और हाँ, आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सबके लिए। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बाय बाय।